हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज है डे 17। तो हो गया है, देखिए ये हमारा 7:20 हो गया है, बहुत टाइम हो गया है। कल बहुत लेट हो रहा है, मतलब सुबह उठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं, 7 हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा है बैड हैबिट है, इसे हम कैसे दूर करेंगे। तो चलिए आज का टू डू लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा टू डू लिस्ट, तो देखिए ये हमारा डे 17 है, ये हमारा 22 मार्च 2022 है। तो पहले हम पढ़ेंगे CSAT दिन, उसके बाद हमारा करंट अफेयर्स रहेगा, दिन हमारा ज्योग्राफी ड्रेनेज सिस्टम रहेगा, दिन हमारा कितना घंटा हम पढ़ाई करेंगे, यहाँ पर हम बॉक्स लगा लिए हैं। और तो और एक चीज़ यहाँ पर ऐड किए हैं, देखिए रिवाइज व्हाट यू स्टडीड यस्टरडे। तो कल क्या हमने पढ़ लिए थे, थोड़ा शॉर्ट जितना भी शॉर्ट नोट्स में बनाए हैं उसे हम रिवाइज करेंगे, ताकि थोड़ा लॉन्ग टर्म मेमोरी में हो और इरेज है। ओके, और एक चीज़, व्हाट यू स्टडीड आज के, मतलब आज आपने क्या क्या पढ़ाई की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम हो गया है 7:25 और यहाँ पर हम स्टॉप वॉच भी लगा लेते हैं। तो ये हो गया स्टार्ट, तो चलिए हम भी हो जाते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, हमने 2 घंटा हमने पढ़ लिए हैं और टाइम हो गया देखिए 9:30। और ये अभी हम CSAT पढ़ रहे थे YouTube लेक्चर से, तो यहाँ पर हम अपडेट कर लेते हैं। तो ये हमारा CSAT रह गया और हमने 2 घंटा भी पढ़ लिए हैं। तो अभी हम SCF एंड LCM पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए अभी जाते हैं, नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, दिन ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं। तो टाइम हो गया है देखिए 10 बज गया है और अभी हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स विजन आइस का मंथली मैगजीन से। और ये देखिए, कल हम करंट अफेयर इतना ही पढ़े थे, वहाँ उसको हमने शॉर्ट फॉर्म से हमने उसको शॉर्ट नोट्स में यहाँ पर बनाए हैं, तो थोड़ा इसे हम रिवाइज कर लेंगे। ओके, देन हमारा मतलब फुल सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने अराउंड 2 घंटा पढ़ लिए हैं और देखिए टाइम हो गया है 12:30। तो इसी बीच हमने पढ़ रहे थे विजन आइस का मतलब मंथली मैगजीन अक्टूबर महीने का। तो हम बहुत फिजिकली और हमारा और ये फिजिकल और डिजिटली हम बहुत पढ़ाई कर रहे थे। तो फिजिकल में देखिए हमारा पढ़ रहे थे इकोनॉमिका देखिए हमारा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़। तो उसके बारे में कुछ पढ़ रहे थे यहाँ पर। और तो डिजिटली हम पढ़ रहे थे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो चलिए देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए हम इकोनॉमी पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स का, तो ये हमारा ख़त्म हो गया है हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो इसके बारे में थोड़ा हम डिटेलिंग किए, मतलब डिटेलिंग कर रहे थे हमारे डिजिटल रुपीस एज प्रपोज बाय कॉन्सेप्ट नोट। और ये अबाउट है हमारा CBDC के बारे में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और रेशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग CBDC इन इंडिया, क्या क्या रेशनल थे। ओके, और पोटेंशियल चैलेंज इन अडॉप्टिंग डिजिटल करेंसीज इंडिया, क्या क्या चैलेंज रहता है हमारा, साइबर हैक्स एंड थ्रेट्स, थ्रेट टू प्राइवेसी, इंपैक्ट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, टेक्नोलॉजी प्रिपेयरनेस, इंपैक्ट ऑन क्रेडिट अवेलेबिलिटी, करेंसी सब्स्टिट्यूशन थ्रू क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। और ये वेब फॉरवर्ड है
और ये अबाउट द पायलट प्रोजेक्ट, तो कौन कौन सा बैंक हमारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारा इस पायलट प्रोजेक्ट में। तो पहला देखिए हमारा SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, HSBC। ओके, और इन द पायलट फेज RBI विल इशू द डिजिटल करेंसी टू ईच बैंक CBDC अकाउंट टू रेगुलेट रेगुलर इंटरवल्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, तो ये हमने पढ़े थे। देन उसके बाद हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज, तो ये बहुत डिजिटली और फिजिकली हम पढ़ रहे थे। न्यूज़ में क्यों था, अबाउट न्यूज़, मोर अबाउट न्यूज़, RBI गाइडलाइन, क्या क्या गाइडलाइन है इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज़ में। ओके, तो अबाउट देखिए इसका अबाउट है, तो ये बस हम पढ़ लिए तो ज़्यादा आज हम पढ़े ही नहीं कर पाए, क्योंकि थोड़ा मतलब फिजिकल और हमारा डिजिटल तो बहुत कंबाइन करके पढ़ रहे थे, तो इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम इसे हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। तो यहाँ पर हमने 2 घंटा पढ़ाई कर लिए हैं और यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं करंट अफेयर्स। तो चलिए अब जाते हैं नहाने के लिए, नहाने के बाद हम थोड़ा एडिटिंग वगैरह करेंगे। देन हमारा फिर से हम ज्योग्राफी का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे थे, ड्रेनेज सिस्टम को आज हम ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम मस्त नहा धो के आए हैं और टाइम हो गया है, देख सकते हैं 1:45 हो गया है दिन का, तो काफ़ी टाइम निकल गया है, क्योंकि मतलब सर्फ नहीं था, बाज़ार गए थे सर्फ लाने के लिए, तो सर्फ हम ले आए हैं। तो अभी जाते हैं लंच के लिए, तो लंच बहुत भूख भी लग रहा है क्योंकि टाइम भी हो गया है 1:45। तो चलिए डायरेक्ट हम जाते हैं लंच पे। तो देखते हैं क्या है, भात है, तो ये है दाल, और ये है आम का, और ये साग थोड़ा। बहुत दिनों के बाद आज धूप दे रहा है, देखिए आम कितना बड़े बड़े हो गए हैं। दोस्तों 3 बज गया है और हम लंच के बाद थोड़ा रेस्ट ले गए थे, तो अभी हम चलिए शुरू करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का ड्रेनेज सिस्टम, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टॉपवॉच भी लगा लेते हैं, तो ये हमारा स्टार्ट हो गया है, तो चलिए हम भी स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों हो गया है टाइम 6:15 और अराउंड हमने 3 घंटा हमने पढ़ाई कर ली है, और 3 घंटे में दोस्तों हमने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे थे, बहुत मतलब फिजिकल भी पढ़ रहे थे। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी थ्रो मैप से, और ये हमारा डिजिटल नोट्स, तो यहाँ पर हम डायग्राम भी बना रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम एक ही मैप के अंडर हम इनक्रप्ट कर रहे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रीवियस ईयर बहुत ही क्वेश्चन आता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम से, तो इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्रोम की गूगल भी यूज कर रहे हैं, जितना भी ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेशन आ सके यहाँ पर, क्योंकि NCERT में इतना डिटेल्स में नहीं दिया गया है, तो हम गूगल का यूज़ भी कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा हम डिजिटल फॉर्मेट में कैसे नोट्स बनाए हैं थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम का है, ये हमारा इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम का जितना भी हमारा ट्राइब्यूटरीज है, राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है, और आप देख सकते हैं, तो उसका देखिए ये हमारा सीओक, तो उसका ओरिजिन क्या है, उसका फेमस प्लेस क्या क्या है। तो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, मतलब
इम्प्रॉन प्लेस प्लेस कौन सा प्लेस होता है हमारा रिवर का, तो देख सकते हैं। और कौन सा नेशनल पार्क या फिर प्रोजेक्ट यहाँ से पास करता है और कौन सा स्टेट कवर करता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सीओ हमारा लद्दाख रीजन पास करता है, लद्दाख और गिलगित बल्चिस्तान पाकिस्तान, और कहाँ पर ड्रेन करता है और ये उसका ट्राइब्यूटरी किन कौन कौन है, तो चांगचे, मेर रिवर, गलवान रिवर, नुब्रा रिवर, सल्तन रिवर, और ऑरिजिन कहाँ पर हुआ। देखिए ये नुब्रा रिवर, ये ओरिजिन फ्रॉम द सियाचिन रिवर, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था। और ये इसका इंपोर्टेंस क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, द सियाक रिवर हैज सिग्निफिकेंट इंपोर्टेंस इन द डिपोजिशन ऑफ द क्वाटरनरी सेडिमेंट्स, ए ट्रेजर फॉर क्वाटरनरी जियोलॉजी रिसर्चर्स। ओके, और इसे रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है। तो जितना भी इंफॉर्मेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत बार क्वेश्चन आया था, तो मतलब यहाँ से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मतलब डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार का इन्वेस्टमेंट है, एक ही बार अगर हम मतलब एक ही बार हमें हार्डवर्क करना है, उसके बाद ये हमें रहेगा, ये नोट्स हमारा रहेगा। तो पहले मतलब ज़्यादा हार्डवर्क यहाँ पर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। तो देखिए ये हमारा, उसके बाद आया हमारा नुब्रा, उसका भी ओरिजिन वगैरह देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा सियार, गिलगिट, और उसके बाद हमारा उंजा, उसके बाद हमारा जास्कर, ये हमारा लेट बैंक ट्राइब्यूटरीज है, जास्कर, सिंगो, अस्टोर, डियामीर, और ये हमारा झेलम, कासीगंगा, नीलम रिवर, फिर हमारा चेनाब, रबी और ब्यास। और उसके बाद हम दोस्तों देखिए हमारा एक डायग्राम बना रहे हैं इंडियन रिवर सिस्टम का, तो देखिए डिटेलिंग पूरा मतलब डिटेल जूम करके आप देख सकते हैं, जूम कर करके हम बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ यहाँ पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ऐड किया जाए ताकि एक ही जगह में आपको सारे चीज़ आपको मिल जाए। तो मतलब ये नेट पे मिल जाता, लेकिन मतलब जो गूगल पे या फिर नेट वगैरह में है वो मतलब इतना ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर दे रखा है कि कुछ समझ में नहीं आता, मतलब बहुत ऐसे 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 कर रहा था, मतलब बहुत दिक्कत होता है आइडेंटिफाई करने में। तो इसलिए हम पूरा डिटेल में कर रहे हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे चीज़ों पे अगर जूम करेंगे तभी जाके आपको पता चलेगा क्या क्या है। ओके, तो चलिए बस इतना ही अभी, तो आज हम कोशिश करेंगे ख़त्म करने की, तो चलिए मिलते हैं आफ्टर सम टाइम्स। यहाँ पर भी हम ऐड कर लेते हैं 3 घंटा, 1 2 3, तो 3 आवर्स हमने पढ़ ली है अभी तक। तो अभी हम जाएंगे थोड़ा बाहर घूम के आएंगे, वॉक करके आएंगे। ओके, तो चलिए हम मिलते हैं आफ्टर सम टाइम्स। तो आ गए हम बाहर को, तो साथ में है ये हमारा केक लेके आए हैं, बहुत भूख लग रहा था, तो यहाँ घूम घूम के इसे हम खा लेते हैं। तो फाइनली हम घर को आ गए हैं और अभी हम फ्रेश होके बैठ गए हैं यहाँ पर। तो देखिए हमारा 7:30 हो गया है, तो बहुत देर हो चुका है, तो बिना देरी करते हुए अभी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टॉपवॉच लगा लेते हैं, ये हमारा स्टार्ट हो गया है, तो चलिए हम भी हो जाते हैं स्टार्ट। टाइम हो गया है अराउंड 10 बजे और हमारा 2 घंटा हमारा कंप्लीट हो गया है। तो 2 घंटे में हमारा ये हमारा मैपिंग वगैरह चल रहा है, लेक वगैरह हम ऐड कर रहे हैं, उसके साथ नदियां ऐड कर रहे हैं, रिवर्स, उसके साथ हम सोच रहे हैं सभी चीज़ों को एक साथ हम ऐड करेंगे ताकि मतलब बहुत
डीपली अंडरस्टैंडिंग हो जाए और माइंड में ये रह जाए मतलब क्या क्या काम फ्लो कर रहा है, कहाँ किसका लोकेशन कहाँ पर है। तो चलिए अभी हम जाएंगे डिनर करने, तो यहाँ पर हम डायरी में अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 घंटा कंप्लीट कर लिए हैं, तो टोटली हमने अभी तक 4, 2, 6, 9 आवर्स हमने पढ़ाई कर ली है। देखते हैं डिनर के बाद थोड़ा और 1-2 घंटा हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए बहुत मज़ा आता है मतलब मैपिंग के साथ पढ़ने में। तो चलिए कितना दूर तक जाता है इसे हम सभी को कोशिश करेंगे। तो आज तक ये ख़त्म होने का मतलब ख़त्म नहीं होगा शायद, क्योंकि और भी है। यहाँ पर देखिए ये हमारा रिवर का है और बाकी सभी चीज़ों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे कि हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेक और ये ग्लेशियर और ये जो भी चीज़ है, जितना पॉसिबल हो सके, जितना जगह हो सके, ज़्यादा ना ज़्यादा मेसी नहीं करेंगे मतलब। देखें कितना कुछ ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ऐड करते हैं। तो चलिए हम जाते हैं डिनर के लिए। तो हो गया है टाइम 10:15 और अभी हम डिनर करके आए हैं। तो अभी चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं हमारा ज्योग्राफी का सेशन। तो चलिए यहाँ पर हम फिर से हम स्टॉपवॉच लगा लेते हैं। दोस्तों 12:20 हो गया है रात का, 12:20, और हमने आसपास 2 घंटा हम पढ़ाई कर ली है। और यहाँ पर क्या क्या पढ़ाई कर ली हम थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों हम देखिए मैप बना रहे थे सभी, मतलब जितना भी ड्रेनेज सिस्टम हुआ या फिर रिवर सिस्टम हुआ या फिर जितना सब डैम है, नेशनल पार्क है, वो हम धीरे धीरे हम यहाँ में ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जा रहे हैं। देखिए तो ये देखिए आपका दिखा देखता हूँ, ये हमारा ये इंडस रिवर है। ओके तो इसके रिवर में क्या क्या डैम है, तो इसका एक ट्राइबल रिवर है सुरु रिवर, तो उसके ऊपर चूतक डैम है। देन हमारा नीमो बाजी का प्रोजेक्ट है ये इंडस रिवर में। देन हमारा डुमकर प्रोजेक्ट है। ओके तो ये उसका ट्राइब्यूटरी है सीगर रिवर और ये राल रिवर, और आप देख सकते हैं उसका ट्राइब्यूटरी और एक सियोक रिवर है, और सियोक रिवर का भी ट्राइब्यूटरी रिवर है हमारा नूबरा रिवर, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट है। और ये सियोक रिवर हमारा रेमो ग्लेशियर से ओरिजिनेट है। और देखिए हेमिस नेशनल पार्क है हमारे लद्दाख में। ओके और ये पांगोंगसो लेक है हमारे लद्दाख का, और ये हमारा साल्ट लेक है हमारे लद्दाख का। जितना भी चीज़ें हैं सबको इसमें ऐड कर रहे हैं। ओके तो धीरे धीरे हम मतलब पूरा चीज़ जितना पॉसिबल हो सके यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारा ये रिवर है हमारा इंडस रिवर का ट्राइब्यूटरी है गिलगिट रिवर, और ये उसका ट्राइब्यूटरी रिवर है यासिन रिवर, और ये करम्बा रिवर, किलिक नालाज और ये खुंजेरम नालाज, ये हुंजा रिवर दोनों मिलकर बनाते हैं। ओके ये पर देखिए और एक लेक हमारा मिला सतपरा लेक। ओके अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा डार लेक है, सिसनाग लेक है, नागिन लेक है हमारा, और ये मानस हाल लेक है, और ये उलर लेक है। उलर लेक देखिए रामसर साइट में आड़ हुआ है, और ये सभी जम्मू एंड कश्मीर का है। ओके और ये देखिए किशन गंगा डैम है कहाँ पर, हमारा नीलम रिवर मतलब किशन गंगा रिवर के ऊपर में है, और ये किसका ट्राइब्यूटरी है, ये देखिए ये झीलम रिवर, ये झीलम रिवर का ट्राइब्यूटरी क्या नीलम रिवर, उसके ऊपर हमारा किशन गंगा का डैम बसा है। ओके और ये नेशनल पार्क देख सकते हैं डोचियम नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट,
और ये हॉकेरा वेटलैंड और ये बुरसर डैम, ओके, जो कि हमारा मारुसुदर रिवर में हुआ है, और ये हमारा पकल दुल डैम, और ये भी हमारा मारुसुदा रिवर में हुआ है, ओके। और देख सकते हैं, और ये हमारा किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर का है, और ये लेक देख सकते हैं आप, सुरिनसर मानसर लेक, और ये देखिए सरलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये हमारा कौन सा रिवर है, ये हमारा देखिए चेन्नाब रिवर का है, चेन्नाब रिवर में हमारा सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट, सवालकर डैम, बगड़ीहर डैम, और ये दुलस्ती हाइड्रो प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि हमारा चंद्र रिवर है, चंद्र रिवर जो कि हमारा ट्राइब्यूटरी किसका, हमारा चेन्नाब रिवर का, ओके। तो बहुत सारे मतलब चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं, तो मैप कल भी हमारा कंटिन्यू रहेगा, तो आज के लिए बस इतना ही। तो यहाँ हम आर्ट कर लेते हैं 2 घंटा, और क्या क्या पढ़ाई कर ली हम, तो पर मैप मैप ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी का मैप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 4 4 8 11 आवर्स हमने पढ़ लिए हैं आज, तो चलिए मिलते हैं कल सुबह।